हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और जैसे कि आपने मेरा टाइटल पढ़ा होगा कि इसमें मैं क्या लिखा है मैंने, बहरहाल मैं इसी बारे में आज बहुत अच्छे से बात करना चाहूँगी और अपने ही थॉट्स ही रखना चाहूँगी आपके सामने। देखिए, हालांकि सब लोग मैच्योर हैं, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो मेरा काम है, मैं अपने अब थॉट्स आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो मैं वही करूँगी आप लोगों के साथ आज भी। देखिए गाइज, जो हमारी सोच है वही हमारा जहान बनाती है, वही हमारा भविष्य बनाती है, वही हमारा वर्तमान बनाती है। ये आई स्ट्रांगली बिलीव, मुझे बहुत अच्छी तरह से विश्वास है इस बात पे कि एक सोच से ही पूरा जहान बदला जा सकता है और एक सोच से ही हम नीचे भी गिर सकते हैं। तो बेसिकली मेरी नज़रों में जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो लोग अपाहिज नहीं है। मेरी नजरों में वो लोग अपाहिज हैं जिनकी सोच अपाहिज वाली होती है, जो अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, जो हर किसी के अंदर वो गंदी भावना से देखते हैं और जिनकी सोच ही इतनी नीचे गिरी हुई है कि वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। एक बाहुबली भी सब लोगों ने देखी होगी। बाहुबली में जब वो अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग करता है, तो वो कटप्पा उसको जाके बोलता है कि जो इंसान अपनी पत्नी के को मारने के बारे में सोच सकता है, उससे अपाई सोच तो किसी और की हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। जिस जिस इंसान के दिमाग में किसी का गलत करने की, किसी के दिमाग में किसी को चोट पहुंचाने की, किसी के दिमाग में किसी का इतना बुरा करने की कि वो जीवन में सफल ही ना हो पाए, उससे अपाई सोच क्या हो सकती है? कितना हमारी इंडिया में भी इतना हुनर है कि इंसान अगर हाथ भी नहीं है तो पैरों से कला कर रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उठना बैठना खुद से कर पा रहे हैं, चाहे डंडे के सहारे से चल रहे हैं, लेकिन बहुत काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे आप हिम्मत हारने दे सकते हैं? मैं खुद अपने यहाँ पर एक बहुत रियल स्टूडेंट के बारे में बात करूंगी गाइस। आप लोग भी उसे सपोर्ट करिएगा। आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आ रहा है उस्मान मेरा, मैंने उसको पढ़ाया है और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उससे कल बात की और मैंने उसको बोला मैंने कि उस्मान तुमने ये कदम जो उठाया है बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत प्राउड भी फील हुआ कि उसको मेरी बातें याद थी कि जब मैम आप लेक्चर देते थे हमेशा कहते थे कि जब आप गलत नहीं हैं तो आप कैसे अपने आप को हार मान सकते हैं। और मेरे यही विचार हैं। उस बच्चे ने अपने अधिकारों के लिए फाइट कर रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो सकती है। और जितने लोग मुझे देखते हैं, जितने लोग शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ इस बात को शेयर भी करिएगा और उसे इंसाफ दिलाइएगा। देखिए, वो उसके हाथों पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने काम नहीं करता। मैंने उसे खुद देखा है, वो 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के खुद से आता था, एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी आता था और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। उसने अपना पूरा 100% दिया। वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा था, है तो उसकी बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं थी, उसको कंपटीशन से भी डर लगता था, लेकिन फर्स्ट जब मैंने उसको पढ़ाया था, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ाया उसे, 9-10 महीने पढ़ाया था आई गेस, हाँ 6-7 महीने। तो गाइस, उसमें भी मैंने उसकी हेजिटेशन को और ये सब करने की दूर करने की कोशिश की थी। और वो बच्चा मेहनती था, उसको था कि मैम मुझे डॉक्टर ही बनना है। वो फॉर्म भरा था लगातार और 3 साल के बाद जब उसे वो कामयाबी मिली कि उसका नीट में सिलेक्शन हो गया, तो अब डॉक्टर्स उसे, बहुत सारे हॉस्पिटल वाले अब उसे डिसेबिलिटी में काउंट कर रहे हैं, कोई 100% डिसेबल बता रहा है, कोई उसे 88% बता रहा है। तो और वो खुद अपने मुँह से बोल रहा है आई डोंट वॉन्ट टू बी अ सर्जन, मुझे सर्जन नहीं बनना, मुझे एक फिजिशियन ही बन जाना है। लेकिन मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, एक पुअर फैमिली से है वो,
छोटी सी जगह से है और उसके सपने जो उसने 3 साल तक कड़ी मेहनत की सफलता हासिल करने के लिए, उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सके, कोटा जा सके, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ सके, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट से तो नहीं, लेकिन उसने अपनी अपनी मेहनत से और स्ट्रगल किया, 50 किलोमीटर रोज जाना आना और उसके बाद एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई करना, ये जज्बे से कम नहीं है, ये इतना इतना छोटा जज्बा नहीं है किसी का। मेरी नज़रों में तो सैल्यूट है तुम्हें उस्मान, और तुम्हारे लिए दिल से ब्लेसिंग्स हैं कि तुम जो फाइट कर रहे हो भगवान उसमें तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे और तुम कामयाब होगे। तो मेरा सपोर्ट तो फुल सपोर्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे इरादों में वो दम है जो एक अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होता है। तो तुम पहली बात मैं लोगों के लिए जो कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को जो लोग ऐसे जज्बा रखते हैं, आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, प्लीज़ उन्हें धक्का मार के नीचे मत गिराइए, उन्हें ऊपर लाइए हाथ पकड़ के, और उनका सहारा भी नहीं, उनको सिर्फ सपोर्ट कीजिए जैसे कि आप बाकी लोगों को सपोर्ट करते हैं। जो वो लोग डिफरेंटली एबल होते हैं वो लोग डिसेबल नहीं होते, हम उन्हें डिसेबिलिटी में नहीं रख सकते, दे आर टोटली डिफरेंटली एबल। कहना ही गलत है कि वो अपाहिज हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं है, उनकी एक अलग क्वालिटी है। और इतना सब कुछ होने के बाद इतना एक्टिव रहना और उसके लिए 3 साल लगातार मेहनत करना, जहाँ अच्छे अच्छे लोग फिर क्या करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो डोनेशन से चले जाते हैं, क्योंकि उनके पेशेंस नहीं होता, उतनी शिद्दत से तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। 3 साल तैयारी की उस बच्चे ने और आज उसे नीट के थ्रू एग्जाम मतलब एडमिशन मिल सकता है, तो सब लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम लायक नहीं हो ये बनने के, वो खुद तो फिजिशियन बनने के लायक क्यों नहीं है, या सिंपली बैठ के किसी को दवाइयाँ प्रोवाइड करना, उनकी बातें सुनना, ये इनफ नहीं है क्या? सारे डॉक्टर ही सर्जन हैं दुनिया में? उसकी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है और मैं बिल्कुल साथ हूँ, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी सोच भी ऐसी ही है कि आप दूसरों को आगे लाना चाहते हैं, तो आपका कुछ भी ना लगता हो फिर भी उस बच्चे के लिए करिए। फेसबुक पे बहुत आ रहा है, यूट्यूब पे भी डाला गया है वीडियोस, आप वहाँ पे उस लिंक जाके उसके सपोर्ट में बोलिए, और मेरे तो ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ रहना चाहती हूँ और भगवान की कृपा से नाम तो मैं कोई डिफरेंटली इस तरह से मुझे कोई परेशानी है और ना ही मेरी सोच अपाइज है। तो अपनी अपाइज सोच से ऊपर उठिए और प्लीज़ एक अच्छा समाज क्रिएट करिए, एक अच्छा समाज बनाइए, क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, नारी शक्ति जागेगी तो सारी शक्तियाँ जागेंगी, ये सब सच्चाई है। हम अपने आप को बदल लें तो दुनिया बदल सकती है, अपनी अपनी सोच पे काम कर लें, एक अच्छा समाज बन सकता है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हो, समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।